हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या कोई भी टेलीग्राम ग्रुप देता है तो वो स्कैम होता है। मेरा ही प्रोफाइल पिक्चर यूज करके, मेरा ही नाम यूज करके आप लोगों को स्कैम करते हैं, उनको आप रिप्लाई ना दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन ताकि चैनल को हेल्प मिले। बात करते हैं डे ट्रेड की, स्विंग ट्रेड की। डे ट्रेड क्या है, स्विंग ट्रेड क्या है? डे ट्रेड हम उसे कहते हैं, लेट्स से कि हमने आज ही के दिन एसेट को बाय किया और आज ही के दिन हम सेल करते हैं। बाय द सेम डे सेल द सेम डे, इसे हम डे ट्रेड कहते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन डे ट्रेड हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करते हैं, चार्ट के बेस पे। और स्विंग ट्रेड क्या है, जब हम एक एसेट को 5 दिन से ज्यादा होल्ड करें, ठीक है, इसे हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। अब स्विंग ट्रेड हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे नहीं बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे करते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टॉक के बारे में इंटरेस्ट हो तो मैंने एक कोर्स पब्लिश किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप खुद को इनरोल कर सकते हो। उस कोर्स में मैंने अमेजॉन का कोर्स है, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, प्रिंटफुल का कोर्स है, स्टॉक का कोर्स, ये सारे कोर्स इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड कोर्स है 7 आवर्स का, आप लोग एनरोल कर सकते हैं खुद को। अगर आपने डे ट्रेड करना है, डे ट्रेड जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ब्रोकर चाहिए, ब्रोकर से आप स्टॉक बाय करने के लिए। दूसरा, उस ब्रोकर अकाउंट में आपके पास जो है बाइंग पावर होना चाहिए, लेट्स से कि आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप ब्रोकर में ट्रांसफर करें। उसके बाद आपको स्क्रीनर चाहिए, तो फेनवे से अच्छा स्क्रीनर कोई भी नहीं, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो आप कॉइन कैप पे कर सकते हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट ही रखूंगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के बारे में इंटरेस्ट हो तो आप कॉइन कैप पे जाके, यहाँ पे सारे टॉप गेनर टॉप लूजर है कैटेगरीज पे जाके, अगर आप मीम कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं यू कैन गो टू कॉइन कैप। सो हम फेनवे पे आके, अगर आपने डे ट्रेड करना है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप स्क्रीनर पे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, इस पे थोड़े एड्स आते हैं। हम स्क्रीनर पर जाते हैं, स्क्रीनर पे हमारे पास ये जो है विंडो ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट कैप चूज करते हैं। मैं हमेशा अपना मार्केट कैप जो है 2 बिलियन से लेके 10 बिलियन तक रखता हूँ, ठीक है। हमने ये किया, प्राइस जो है मैं हमेशा अंडर 15 रखता हूं, ठीक है। ओप्स सॉरी, अंडर 15 रखता हूं। फिर हम टेक्निकल पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डे ट्रेड है तो सो फंडामेंटल को नहीं चाहिए। अब कैंडलस्टिक आपकी मर्जी, अगर आपने जो है हैमर रखना है, अगर आपने जो है लॉन्ग अपर शैडो रखना है, लॉन्ग लोअर शैडो रखना है, दैट्स अप टू यू। So I think hammer is good. अब bearish जो है, अगर आप अगर bearish change करना चाहते हो कि 20 day high low को और 50 day high low को जो है आप 20 और more कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये एक ही stock आया, right? हमारे पास ये एक ही stock आया है। अब अगर आपको जो है opportunities के बारे में देखना है तो आप जो है हाई लो को जो है कम कर दे, तो आपके पास दो, अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटीज अगर आपको चाहिए तो आप प्राइस को कम कर दे ताकि आपके पास जो है ऑप्शंस ज्यादा आए, या हाई लो को एनी कर दे। सो अब हमारे पास ये ओनली 4 अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास ये 4 अपॉर्चुनिटीज है। अब हमने चार्ट को रीड करना है, ऑलराइट, अपॉर्चुनिटी को, चार्ट को रीड करने के लिए अगर आप ऐसे रीड करते हो तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इससे अच्छी बात है आप चार्ट पे क्लिक करें, सारे चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सो इसमें आपने अपॉर्चुनिटी देखना, ये 200 एवरेज मूविंग लाइन जो है आपने इसको ध्यान में देना है, ठीक है। आपने सपोर्ट लेवल को देखना है, आपने स्टॉक रेजिस्टेंस को देखना है। हमने उस स्टॉक को कभी चूज नहीं करना जो 5 साल से उसका डाउन ट्रेंड चल रहा, हमने उस स्टॉक को चूज करना है जो हमेशा अप ट्रेंड पे जा रहा, समझ में आ रहा है। डाउन ट्रेंड स्टॉक हमने कभी चूज नहीं करना, हमने वो स्टॉक चूज करना है
जो अपर ट्रेंड पे हो। ऑलराइट, 200 मूविंग एवरेज लाइन को देखेंगे कि यू नो ये 5 साल का ही, हमेशा 5 साल का ही चेक करें, अच्छी बात होती है 5 साल का चेक करना। सो यहाँ पे फैनबेस पे ये है कि ऑलरेडी जो है आपको सपोर्ट लाइन ऑलरेडी उन्होंने ड्रा किए हुए होते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, कंप्लीटली फ्री। सो आप जो है ये कर सकते हैं। ये हमारा डे ट्रेड का, ये हमारा डे ट्रेड का सेटअप हुआ। बस आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर कोई भी स्टॉक आपको, लेट्स से कि आपको इसमें अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है, हम करेंगे क्या, CANO, हम स्टॉक का नाम लेके यहाँ पे CANO, अगर हमने, लेट्स से कि अगर आपने, हमने अपना ट्रेड करना है इसमें, सो क्या मसला आ रहा है? Alright, okay. So, अगर कोई भी, अगर आपको डे ट्रेड करना है, let's say कि मुझे ये स्टॉक मिला NFIC opportunity, आप 5 साल का जो है चार्ट ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड एक्सपेंड इट। सो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है और आपको यू नो लाइक इफ यू आर पॉजिटिव किया जो है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आज के लिए मेरा ये डेट, अगर आज के लिए मेरा ट्रेड है, यू कैन गो अहेड एंड प्लेस योर ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जरूर करें। ये नहीं किया कि कंपनी में आप सारा पैसा डालें, नो, डोंट डू दैट। पोर्टफोलियो को हमेशा डिवर्सिफाई रखें, लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। लाजमी बात नहीं है कि आप बस CANO में करिए, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपने जो है स्विंग ट्रेड करना है तो ये फिर आपके लिए नहीं है। स्विंग ट्रेड यू कैन गो अहेड एंड गो टू होम पेज। दीज आर ऑल टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। सो आप जो है डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड इसी बेस पे ही करते हो। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा कॉइन बाय करो, जस्ट गो टू कॉइन कैप, कॉइन कैप पर जाए, आपको यहाँ पे जो है टॉप क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पे नजर आएगी। अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज देखनी है, जस्ट स्क्रॉल डाउन, लुक फॉर, यहाँ पर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, देयर इज अ लॉट, लाइक देयर इज अ लॉट। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, आप जाके न्यूज देख लो इसके बारे में, अगर स्टॉक में हो तो न्यूज बहुत देखो, टिकटॉक नहीं बैठे, न्यूज बहुत देखो, यू नो कम्युनिटीज देखो कि कौन कौन सी कम्युनिटीज जो है इसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। सो ये हमारा जो है डे ट्रेड और स्विंग ट्रेड में जो है डिफरेंस है कि हम डे ट्रेड कैसे करेंगे, स्विंग ट्रेड कैसे करेंगे। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर क्रिप्टो करेंसी, तो अभी मार्केट क्रिप्टो करेंसी, आई डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन विद द मार्केट, बट लाइक टू बी ऑनेस्ट खबरों पे डिपेंड है। अगर खबर नेगेटिव है तो क्रिप्टो नेगेटिव जाता है, अगर खबर पॉजिटिव है तो इट्स टू वोलेटाइल। बट आपके लिए अच्छी अच्छी बात है अगर इस वॉलेटिलिटी से आप फायदा लो। अगर डंप डिप होता है तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, ये नहीं कि सारा पैसा लगाओ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो। अगर एक डिप में पैसा लगाओ, अगर दूसरा डिप होता है, दूसरी डिप में उससे डबल लगा लो। अब लाजमी बात नहीं है कि आपके पास जो है ज्यादा पैसा होना चाहिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 से लेके आप 1000 तक भी शुरू कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सो यही है कि आप जो है अपने एनालिसिस को ठीक करें, एंड ये कॉमन चीजें हैं। स्टॉक बाय करना, स्टॉक लेना, ये इतना मुश्किल नहीं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो। सो आज क्या हो गया रविनाट को, आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एनब्रिज है, ये बहुत ही अच्छा जो है कंपनी है। ये गैस और ये पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का ये कंपनी है, बहुत ही ऑपरेट करती है पूरी दुनिया को, हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। और इनका डिविडेंड जो है, इनका डिविडेंड बहुत अच्छा है। क्या इनका डिविडेंड बहुत अच्छा है? ये हमेशा, यू नो लाइक देयर डिविडेंड इज अमेजिंग। अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखें, दिस कंपनी इज अमेजिंग। मैं खुद हमेशा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ अपने दूसरे अकाउंट में,
क्योंकि मुझे इससे डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज लाइक रॉयल्टी है। डिविडेंड यील्ड इसका 6.46 है, विच इज अमेजिंग। अगर आप लोगों ने ये स्टॉक लेना है, इसमें अभी से शुरू करो, इसमें हमेशा $100 जो है वीकली आप शुरू करें, आपको डिविडेंड मिलेगा। आप लोग को लेट मी टेल यू कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड आप एक कंपनी में लेट्स से इन्वेस्ट करते हो, हमेशा वो कंपनी चूज करो जो हाई डिविडेंड देते हो, जैसे कि कैनेडियन बैंक है। कैनेडियन बैंक हर साल अपने डिविडेंड को जो है यील्ड को आपको बढ़ा देते हैं, विच इज अमेजिंग। सो लेट्स से कि आप एक कंपनी में शेयर होल्ड करते हो डिविडेंड, तो डिविडेंड इज लाइक अ रॉयल्टी रिवॉर्ड, जैसे कि हम उसे शुक्रिया कहते हैं। लाइक लेट्स से आपको अगर एक कंपनी में आपके शेयर है, वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करता है, एक रॉयल्टी। आई डोंट नो कि मैं आपको कौन से मेथड में समझाऊं। लेट्स से कि वफादारी। ऑलराइट, अगर आपके पास एक मुलाजिम है तो आप उसे हर साल जो है ईद पे या रमजान पे जैसे कि वफादारी का इनाम देते हो, मैं यही कहूंगा रॉयल्टी हम उसे कहते हैं। लेट्स से सो इनका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, ये एनब्रिज जो है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दे बीन इन दिस गेम लाइक फॉर इयर्स एंड इयर्स। सो अगर आपको जो है इसमें इन्वेस्ट करना है, अभी से शुरू करें, बहुत ही अच्छी कंपनी है एनब्रिज। कैनेडियन बैंक्स देखिए, अगर आप डिविडेंड में जो है, अगर आप चाहते हो कि आप पूरी जिंदगी काम ना करो और आप डिविडेंड से पैसा लो, डिविडेंड हराम नहीं है बाय द वे। अगर आप कोई भी सोचिए सूद है, नो, डिविडेंड सूद नहीं है। डिविडेंड इज अ रॉयल्टी रिवॉर्ड है कि आप एक कंपनी में शेयर होल्ड करते हो, आपका पैसा लगा रहे, वो पैसा बना के आपकी कंपनी से। आप सूद अगर कोई लेता है तो बहुत से तरीके हैं सूद लेने के। आप स्टॉक के ऊपर भी सूद ले सकते हो, क्रिप्टो के ऊपर भी सूद ले सकते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ वेज, लेकिन डिविडेंड सूद नहीं है। ऑलराइट, और ना स्टॉक सूद है। तो ये कंपनी है एनब्रिज, पाइपलाइन सप्लाई करता है ये, विच इज अमेजिंग। सो आप कंपनी के बारे में आप रीड कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। सो अगर आपने इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो ये कहो कि हर वीक में इसमें $100 डालो, एक दिन आएगा कि आपका जो है पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। तो आज हम इसमें जो है $20,000 के शेयर्स बाय कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो $20,000 के शेयर जो है मुझे पड़ रहे हैं, 500 शेयर जो है मुझे $20,000 का पड़ रहा है। सो आई नो मेरे नंबर को इसलिए मत देखो क्योंकि मैंने एक स्ट्रगल किया है, एक मेहनत की। अगर आपके पास भी पैसे है, गो अहेड एंड डू इट, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं, दिल छोटा ना करें। ऑलराइट, आप महीने में $100 डालें, आप ऐसा करें, आप महीने में $100 डालें। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर उठता है, अगर आपने हाई रिस्क लेना है, ज्यादा पैसा बनाना है, आप क्रिप्टो में डे ट्रेड करें। समझ में आ रहा है? आप जाके बिटकॉइन के डिप में पैसा लगाए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, आप वहां से पैसा निकालें। You can do that too. So, हम इसमें जो है $20,000 के शेयर्स बाय करते हैं, ठीक है, done. तो ये हमारा जो है रिव्यू, तो ये जो हमारा है $20,000 का जो है हमने $20,000 का जो है हमने इसमें ऑर्डर प्लेस किया है। ऑलराइट, सो अपना एक गोल रखो। मैं तो हमेशा महीने में जो है अपने दूसरे अकाउंट में 20,000 तो इस कंपनी में हमने $20,000 लगाए, ठीक है, हमें 500 शेयर मिले, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हम इसे होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, अगर ये 41 भी हेड करता है, व्हिच इज गुड, कुछ किए बगैर अगर 500, अगर इस ट्रेड से मुझे $500 मिलता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो आज मैं आपको जो है वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज मैं अपने बारे में आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। बैक इन 2012 में जो है मैं 8th क्लास में था, तो जैसे ही हमने 8th का एग्जाम दिया, 9th प्रमोट हुए, तो मैं उसी वक्त से लाइक इंटरनेट में मैं बहुत अच्छा था। लाइक मेरे सारे दोस्त थे वो ये IGI गेम खेलते थे, लेकिन हमेशा मैं जो था इंटरनेट को जो है बहुत ही अच्छा यूज करता था, और मेरा हमेशा ये गोल था कि यू नो लाइक मैं चीजें सर्च करता था वगैरह वगैरह। सो और उस वक्त जो है मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। सो मैंने हमेशा अम्मी से कहता था कि मुझे अम्मी मुझे बाहर मुल्क जाना है, मुझे बाहर मुल्क जाना है, यहाँ पे जो है
क्योंकि मैंने अपने उस्तादों को, लोगों को देखता था। मेरे भाई ने भी खुद पढ़ाई की, उसके पास डिग्री। मैंने कहा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, तो अम्मी ने कहा कि अब्बू तो सऊदी में इसलिए मजदूरी करते हैं ताकि तुम लोग पढ़ाई करो। देखो उस डॉक्टर के बच्चे को देखो। हमारे वालिदैन हमेशा यही कहते हैं कि उस डॉक्टर के बच्चे को देखो, वो डॉक्टर बना, बट ये नहीं सोचते कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जो भी हो आप बस मुझे जो है मुझे बाहर भेज दीजिए। तो अम्मी ने कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, अब्बू तो घर के लिए खर्चा भेजते हैं और मैं इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो उस वक्त मेरे भाई ने मेरे लिए वो सैमसंग का फोन सेंड किया था जिसमें प्रोजेक्टर हुआ करता था। मैंने उसे सेल किया, मुझे अभी भी याद है, मैंने उसे 20,000 रुपए का सेल किया। मैंने उस पर पासपोर्ट बनाया और मैंने मलेशिया कुआलालंपुर में ग्रीन सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया। डिप्लोमा हो जाता है, यू डोंट हैव टू, यू नो, लाइक आपको लाजमी नहीं है। इन बाहर मुल्कों में ये सिस्टम नहीं है कि आप जो है इस लेवल तक जाओ, डिप्लोमा आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। तो मुझे वहां पे एडमिशन मिला, मैं चला गया वहां पे। अम्मी ने वो पैसे जो थे उधार लिए, 2,000 रिंगिट जो है शो मनी के लिए। फिर मैं जब वहां पर पहुंचा, मैंने वो उससे 1,500 वापस किए। मेरे पास मलेशिया में सिर्फ 500 रिंगिट थे। अब सुने, और मैं मलेशिया इस उम्र में गया, लेकिन मैं उस वक्त 9th क्लास में था, मेरी दाढ़ी भी सही से नहीं आई। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो अब तो पढ़ाई करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि अब्बू के बिना, अब्बू से बिना बताए, यू नो, लाइक परमिशन, अब्बू के बिना परमिशन का मलेशिया चला गया। और मुझे नहीं पता था, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि मेरे वालिद साहब सऊदी में क्या काम करते हैं। हम में से किसी को नहीं पता होता कि वो किस मुसीबत से, यू नो, गुजरते हैं। मुझे तो लगा कि मेरा बाप वहाँ पे अच्छा काम करता होगा, क्योंकि हमें कपड़े मिलते हैं, हमें रहने को घर है, यू नो, हम स्कूल जाते हैं, हर सुबह पैसे मिलते हैं। मुझे यकीन करे, आई डिडंट नो दैट। सो वहाँ पे जो है मैं मलेशिया गया। मैंने कुआलालंपुर में, मुझे अभी भी याद है, मस्जिद इंडिया में मैं नेक्स्ट डे निकला वहाँ पे। मैं मस्जिद इंडिया गया ताकि मुझे कोई जॉब दे। तो मुझे एक बंगाली बंदे ने हायर किया, कॉस्मेटिक टेक्सटाइल, उनका कपड़े का दुकान था। तो उसने मुझे कहा कि आप तो बहुत छोटे हो, आप यहाँ का काम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा यार जैसे भी हो, पर छोटा हो बड़ा हो लेकिन काम तो करना है, अब यहाँ पर आया हूँ तो काम तो करना है। उसने मुझे हायर किया, मुझे अभी भी याद है, उसने मुझे 1,000 रिंगिट पे हायर किया। 1,000 रिंगिट उस वक्त रिंगिट जो था 32 रुपए का था पाकिस्तानी, और ये 2013 की बात है। तो मैंने उसके साथ काम शुरू किया। हम कंटेनर जो है, हम उसके साथ कपड़े का काम करते थे, लेकिन जब भी चाइना से उनका कंटेनर आता था, हम उसे कहते थे कि भाई आप कंटेनर दूसरे बंदों से खाली मत कराओ, हम खाली कराएंगे, और जो है आप हमें ये पैसे हमें दो। तो उसने कहा ठीक है। तो हम पार्ट टाइम उसके साथ कपड़े का कंटेनर भी खाली करते, लेकिन मेरे पास जो दोस्त थे हम सारे पाकिस्तानी थे उसके पास। हम सारे पाकिस्तानी थे। हमारे पास एक लाहौर का बंदा था, बाकी पिशावर के बंदे थे और दूसरे इलाकों के। वो अभी भी उसके साथ काम करते, कभी कभार मैं उनको फेसबुक पे देख लेता हूँ, अभी भी उसके साथ काम करते। तो मैंने मलेशिया में, आई थिंक कि मैंने मलेशिया में 2 साल गुजारे, फिर मैंने वहां से थाईलैंड का वीजा लिया। तो मेरा ये गोल था कि मैंने हमेशा, मैं एक माइंडसेट के साथ आया था, ऑलराइट, मैं एक माइंडसेट के साथ घर से निकला था कि यार मैं जो है मलेशिया जाऊंगा। मैंने अपना जो है एक, मैं मुझे बचपन में मैप पढ़ना बहुत अच्छा लगता था ये मुल्कों का। मैंने ये सोच लिया था कि मैं मलेशिया में काम करूंगा, मैं थाईलैंड जाऊंगा, अपने पासपोर्ट पे वीजा लगवा लूंगा, यू नो, फिर से ऐसे जाके दुबई चला जाऊंगा। ये एक ख्याली पुलाव मैंने पकाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसान जो सोचता है वही हो जाता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट नो दैट कि इंसान जो सोचता है उसके जहन में आता है तो वो बन जाता है। तो मैंने जो सोचा था वही प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन एक चीज जो मैंने सोचा वो प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मैंने ये सोचा था कि मैं मलेशिया से इंडोनेशिया जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त लोग ऑस्ट्रेलिया बाई सी जाते थे। लोग उस वक्त ऑस्ट्रेलिया बाई सी जाते थे। मैंने बहुत से लोगों से बात की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। कुछ लोगों ने कहा कि थाईलैंड में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए आपको वहां पे पहुंचा देंगे, आपके लिए करेंगे, बट कुछ नहीं बना, टू बी ऑनेस्ट। लाइक अब देखिए, समटाइम
प्लान जो है आप कुछ और प्लान करते हो और फिर जो है कुदरत को कुछ और मंजूर होता है। बस हमेशा अगर आप पॉजिटिव चीज सोचते हो तो उससे बेहतर चीजें हो सकती है आपके लिए। तो मैंने थाईलैंड और मलेशिया का वीजा लगवाया। मैं मलेशिया से थाईलैंड गया, ठीक है, बाय बस, और फिर थाईलैंड से मैं दुबई गया। जब मैं दुबई गया वहां पर लोगों के हालात देखे यार, बहुत ही बुरे हालात थे। वो एक कमरे में आठ आठ नौ नौ बंदों का सोना, वो बदबू, वो छोटा सा कमरा, लाइक मुझे लगा कि यार दुबई में जो है अपनी जो है सेटिंग नहीं हो सकती। मुझे एक कंपनी मिली थी, उन्होंने कहा कि आपको हम हायर कर लेंगे, आप ईरान आउट करो, हम आपको वीजा दे देंगे। आई नो स्टोरी बोरिंग है बट सुनो। तो मैं जो था, मैंने कहा कि नहीं यार मुझे काम नहीं करना, मुझे वापस जो है पाकिस्तान जाना। तो मैं वापस गया पाकिस्तान, अम्मी ने कहा कि अब आए हो तो, लाइक 2 साल के बाद मैं गया। अम्मी ने कहा कि अब आ गए हो तो आप आराम करो, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिर भी उसने मुझे कहा कि अभी भी तुम छोटे हो, पढ़ाई शुरू करो। मैंने कहा नहीं 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 मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पता है पढ़ के मैं क्या करूंगा, लाइक डिग्री लेके मैं क्या करूंगा, आप बताओ। सो मेरे भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि तुम ना सऊदी चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, वहां अब्बू भी है तो मैं सऊदी चला जाता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए सऊदी का वीजा किया। यकीन करें मुझे नहीं पता था कि सऊदी में लोग कैसे रहते। तो जब मैं गया, अब्बू मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, टैक्सी में आए थे बाय द वे। लेकिन अब अगर मेरे अब्बू, इंशाल्लाह मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे कहेंगे तो मैं जब अब्बू को इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे पिक करूंगा, टैक्सी में वो नहीं आएंगे, वो ब्रांड गाड़ी में आएंगे। तो ये उनकी मेंटालिटी और मेरी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। सो जब मुझे अब्बू पिक करने आए, मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि मेरे अब्बू क्या काम करते हैं। सऊदी में मोस्टली लोग जो है लेबर टाइप लोग होते हैं। सो और मेरे अब्बू ने सऊदी में 40 साल गुजारे। मेरे अब्बू ज़ईफ है, उनकी एज जो है 60 से ऊपर है। तो मैंने अब्बू से पूछा कि अब्बू आप क्या काम क्या करते हैं। तो उसने कहा कि मैं जो है बच्चों के लिए स्कूल गेट ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ। मुझे उस वक्त पता चला। मैंने उनसे कहा कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2100 रियाल मिलता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने वहां पे और भी बहुत लोगों को देखा, इशारे पे काम करते हैं, खड़ा होके ड्राइवर, आई सीन सो मेनी पीपल। तो मैंने तो उस मलेशिया में भी वक्त गुजारा था, रिटेल में जो है मैंने मलेशिया में रिटेल में काम किया था। सो मैंने वहां पे एक हाइपर मार्केट में, रियाद में अल मदीना हाइपर मार्केट में, एज अ स्टोर मैनेजर लगा फ्लोर, ठीक है। मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर वहां से परचेजिंग मैनेजर पे गया, परचेजिंग से फिर ऑपरेशनल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था मलेशिया से, मैंने मलेशिया में काम किया और वो इंडियन थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। सो मैंने वहां पे उनके साथ 2-3 महीने काम किया। अब देखे मैंने सऊदी में जब फेसबुक ओपन किया, ठीक है, मलेशिया में ये सिस्टम नहीं था। जब मैंने सऊदी में अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया, वहां पे मुझे मार्केट प्लेस का ऑप्शन आया सऊदी में। तो वहां पे मैंने देखा कि लोग चीजें सेल कर रहे हैं। अब लाइक इत्तेफाक देखे, अब वैसे मैं तो हाइपर मार्केट में काम भी करता, अब इत्तेफाक देखे सऊदी में लोग जो है अपने कमरे का फ्रिज, कोई कहता ये, वहां पे किसी ने एड लगाया है कि अगर किसी को राइड चाहिए यहाँ से यहाँ। मैंने कहा ये तो अलग ही दुनिया है। तो मैंने किया क्या, मुझे उस वक्त अलीबाबा का पता चला। देखिए मैंने जो है अपने परचेजिंग मैनेजर से पूछा कि आप जो सामान लाते हो ये आप कहाँ से लाते हो। उसने कहा 3 जगह है, थाईलैंड, इंडिया और चाइना। तो उसने कहा कि हम जाते हैं, हम वहां से, और ये हमारा गारमेंट्स मैनेजर था, अनीस नाम था उसका। तो मैंने उससे पूछा कि अनीस भाई अगर आप मेरे लिए सामान लो। उसने कहा नहीं, ये कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है, हम कंपनी के ही काम से जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्या किया कि ऑनलाइन जब मैंने अलीबाबा के बारे में रेड किया कि यार अलीबाबा पे ये चीजें, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले सैंपल्स लिए, ठीक है, मैंने जूतों के सैंपल्स लिए। मैंने अलमदीना हाइपर मार्केट से काम मैंने छोड़ दिया। अब्बू बहुत गुस्सा थे कि यार सऊदी में एक बार अगर आप काम छोड़ो तो फिर काम नहीं मिलता। मैंने कहा अब जो भी है इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो बहुत गुस्सा थे मुझ पे।
तो उसने कहा कि तुम्हारे इकामे का क्या होगा, ये तो इकामा रिन्यू करना पड़ता है, ये वो। तो मैंने वो सैंपल जो है, 1 महीना कुछ नहीं हुआ। अब्बू ने मुझे बार बार ये कहते थे, मैंने कहा था आपको कि मत करो, अब देखो कुछ नहीं होने वाला, ये क्या जो है तुम मोची बन के जूतों को इधर ले जा रहे हो उधर ले जा रहे हो। बट मुझे यकीन था खुद पे यार, मुझे खुद पे यकीन था कि मैं कर सकता। तो जिस हार्पर मार्केट में मैं काम करता था अल मदीना में, अब मेरे जहन में ये पहले नहीं था कि यार अगर इतनी हाइपर मार्केट इनके मार्केटों पर जाती हो, खुद जहां पर तुमने काम किया है वहां पर जाओ। तो मैं परचेजिंग मैनेजर से मिला, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये जूते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम इसे यहाँ सेल करें, मैं हाइपर मार्केट को कमीशन दूंगा। तो उसने कहा कि ये तो सीईओ से बात करना पड़ेगा कि सीईओ क्या कहता है। वो तो वैसे ही मुझे जानता था, नासिर नाम था उसका। तो उसने मुझे कहा कि कंपनी को कितना कमीशन दोगे। मैंने कहा सर 10% दूंगा कंपनी को, लेकिन आप मुझसे रेंट नहीं लोगे जगह का। तो उसने कहा कि बड़े स्मार्ट हो। तो मैंने कहा हाँ, अगर चीज नहीं बिकता तो मुझ पे ये टेंशन नहीं होगी ना कि यार रेंट दूंगा, रेंट होगा या नहीं होगा। तो उसने मुझे इजाजत दी, उसने कहा कि जितनी भी शूज लाना है ला। तो मैंने उस वक्त याद है मैंने 7,000 रियाल के शूज खरीदे थे और पहली वीक कुछ नहीं बिका। मैं इतना टेंस था, इतना टेंस था कि या अल्लाह क्या होगा। मैंने तो पैसे भी लगाए, बट मैंने कहा कि चलो जुम्मे तक वेट करते। जब फ्राइडे हुआ, सैटरडे को उन्होंने मुझे फोन किया कि आपकी जूते तो खत्म हो गए, सामान लो। मैंने कहा सीरियसली? मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो। मैंने नहीं, मजाक नहीं कर रहा, शायद आपने जितने जूते डाले थे वो खत्म हो चुके, आप और जूते ला। वहां से मैंने वो चैनल पकड़ा। तो हर महीने 70 से 80 हजार रियाल का सेल होता था अल मदीना हाइपर मार्केट से। फिर मैंने एक बता में कोला, फिर मैंने एक लुलू में कोला जो उलैया में, लाइक ऐसे बिल्ड। तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू आप अपना वीजा कैंसिल करके पाकिस्तान जाओ, जो तनख्वाह आपको यहाँ से मिलती है मैं आपको दूंगा। तो उसने कहा नहीं, अगर ऐसा नहीं, तुम अभी अभी आए हो, इतना जो है बोझ मत उठाओ, अगर मैं चला गया और फिर तुम्हारा काम ना हुआ। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लो, मैंने कहा आप टेंशन, लेकिन अब्बू फिर भी इस मुझ पे भरोसा नहीं था अब्बू को कि ये कर पाएगा नहीं। तो उस बीच में मैंने किया क्या कि मैं ऑनलाइन देख रहा था मुल्कों के बारे में। तो मेरे सामने एक एड आया कि यू नो लाइक अगर आप अमेरिका की वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई। समटाइम आपके सामने एड आ जाता है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मेरे कफील से पासपोर्ट लीजिए, मुझे अमेरिका का वीजा लेना है। तो वो मुझ पे हंसने लगा, उसने कहा कि ना तुम्हारा दादा अमेरिका में, ना हमारा कोई बंदा अमेरिका में है, और ये नहीं हो सकता। मैंने कहा जो भी हो, मैंने कहा मैंने अप्लाई करना है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उसने कहा ठीक है। हम अपने कफील के पास गए, मैंने अपना पासपोर्ट उससे लिया, मैंने अमेरिका के वीजे के लिए B1 अप्लाई किया। ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा होता है, आप लोग भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यकीन करो बहुत ही इजी है, करो कोई बात नहीं। $160 है, यू नेवर नो। तो रिस्क मैंने लिया। तो मैं जब गया इंटरव्यू के लिए, उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा यार सऊदी में मेरा शूज का काम है, तो मैं अमेरिका से शूज बाय करने जा रहा हूँ। तो ये सवाल, और मुझसे पूछा कि कब आओगे वापस, मैंने कहा 1 हफ्ते बाद। और उसने पूछा कि वहाँ किधर जा रहे हो, मैंने कहा न्यूयॉर्क। ये 2-3 सवाल मुझसे उसने पूछे, उसने मेरा पासपोर्ट रख लिया, उसने मुझे कहा कि तुम्हारा वीजा अप्रूव हो गया, आरामिक्स तुम्हारा पासपोर्ट सेंड। अब मुझे नहीं पता कि पासपोर्ट रख का मुझे कहा वीजा देंगे या नहीं, लेकिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अगर तुम्हारा पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है तो लाजमी बात है तुम्हें वीजा देंगे। मैंने भाई से कहा कि भाई मेरा पासपोर्ट रख लिया, मेरा वीजा हुआ, किसी को यकीन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट किसी को यकीन नहीं था। मेरा वीजा हुआ, फिर मेरे पास जितने भी दोस्त थे मैंने सेम अप्लाई उनके लिए किया, उनको भी वीजा मिला, यू नो उन्होंने भी अपने काम के ऊपर जो है अप्लाई किया, उनको भी वीजे मिले। फिर मैं अमेरिका आया। यहाँ पे जब मैं अमेरिका आया तो आपको तो पता है यहाँ कोई भी नहीं था, ये एक नया चैलेंज था। बट मैं बचपन से ही यू नो लाइक वो 9th क्लास के, बचपन तो नहीं होता बट 9th क्लास के टाइम से यू नो लाइक बंदा 20-21 में होता है तो स्ट्रांग होता है। 9th क्लास के ही
टाइम से जो है मैं बाहर मुल्क में था, तो एक्सपीरियंस थी मुझे, इंग्लिश भी मेरी टूटी फूटी सी थी, बट आई वाज ओके, लाइक टू बी ऑनेस्ट आई वाज ओके। यहाँ पे मेन चैलेंज क्या था कि यहाँ पे आपको सेम वो दुबई सऊदी वाला सिस्टम, यहाँ पे लोग जो है कोई 7-11 में काम करता है, कोई क्या करता है, आप उसके हाथों लग जाओ तो आपका जो है बेड़ा गर्क हो जाता है। बट स्टिल मैंने एक स्ट्रगल किया, मैंने सऊदी से पैसा लाया था, जो मैंने वहां पे कमाया था सऊदी में शूज से, वहां पे मैंने जितना भी कमाया था, मेरा काम स्टिल चल रहा था वहां पे, क्योंकि सामान मेरा वहां पे था। मैंने वो काम 2019 में बंद किया सऊदी का, क्योंकि बोझ हुआ मुझ पे। अलीबाबा से स्टिल वहां पर माल जाता था और वहां पे सेल होता था। मैंने यहाँ पे जो है जैसे ही अपना ग्रीन कार्ड फाइल किया, मुझे वर्क परमिट मिला, फिर यहाँ पर मैंने जो है फेसबुक से शुरू किया, मार्केट प्लेस से। मैं पुरानी चीजें लेता था और मैंने यहाँ पे जो है पब्लिक स्टोरेज में जगह ली थी, ये रेस्टोरेंट की चीजें उनको साफ करता था, वॉश करके मैं उसे मुनाफे में सेल करता था। उस फेसबुक से मैं हर महीने उस एक लॉट से 30 से 40 हजार डॉलर बनाता, 30 से 40 हजार। वो अभी भी वो लिस्टिंग अभी भी जो है डियर, वो लिस्टिंग अभी भी मेरे फेसबुक में होगा, लाइक लेट मी शो यू, वो लिस्टिंग अभी भी मेरे फेसबुक में है, आई जस्ट शो यू। सो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्टेप्स लो, ये मत करो कि यार मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बिल्कुल मत करो, ये बिल्कुल मत करो। गरीब हर कोई पैदा होता है, कोई भी जो है अमीर पैदा नहीं होता, बट आपको करना पड़ता है। लेट्स से मेरे पास वो लिस्टिंग अभी भी, वो लिस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट में जो मैंने ये लिस्टिंग्स, मैं ये चीजें बाई करता था, ठीक है, मैं ये चीजें बाई करता था, ये आप देख सकते हो, मैं ये चीजें बाई करके मैं ये चीजें, और एक लॉट में जो है, एक लॉट में ये चीज मैंने वेस्ट वर्जीनिया में लिया था, मुझे याद है 120 समथिंग का, मैंने $500 पे सेल किया। दैट्स हाउ यू मेक मनी। अब तो मैं नहीं करता, ये फ्रायर जो है मैंने आई थिंक 50 का लिया था, मैंने 250 का मैंने इसे साफ किया, तो ये चीजें मैं ये करता था, मैं ये अलीबाबा से ये चीजें मंगा कि ये वॉलेट इसे सेल करता था। तो मैं हमेशा, फिर मैंने अपना अमेजोन शुरू किया, अमेजोन मैंने सबसे पहले जो है अमेरिका में, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में बिल्ड किया, मैं ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक बार अगर आपने काम से जो है, अगर आपने एक बार काम छोड़ा, दैट्स इट, फिर छोड़ो। ये 2016 में मेरा पहला लिस्टिंग था रियाद में, आप देख सकते हैं रियाद में, ये 5 साल पहले। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं अमेजोन से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिलियन तक आराम से हो जाता है। दैट्स हाउ यू डू इट। अब आप फिर से कहोगे कि नहीं यार, ये तो बाय द वे ये ब्रांडेड नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि यू नो लोग पाई करें। सो सेम चीजें मैं बनाता था वहां पे चाइना में। अब आप कहोगे कि ये तो नसीब तकदीर, नो, मैं नसीब तकदीर को बिल्कुल नहीं मानता। इंसान अगर कुछ नहीं करता ना, तो खुदा ऊपर से नहीं आता कि आपके मुंह में दे, नो, आपको सही स्ट्रगल करना चाहिए। आपने वो मुहावरा तो सुना है ना, प्रैक्टिस कैन मेक अ पर्सन परफेक्ट, ये गलत बात है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाती, अगर आप गलत प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा वो गलत प्रैक्टिस गलत ही रहता है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, मैंने बहुत टाइम जाया किया, एंड अपना ख्याल रखिए। एक और कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस किस कैसे कैसे जो है अमेजॉन बिल्ड किए, वो फिर हम आराम से बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।